नमस्कार जी, मैं संध्या। ये देखिए कितने प्यारे खूबसूरत फूल हैं। तो अभी मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया था, नर्सरी से लेकर आई थी, जो कि त्यों बने हुए हैं। तो जब रिपोर्टिंग करूँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और बाकी ये गुलाब का फ्लावर है, ये देखिए ये पहले से काफ़ी खिल चुका है। कल ही लेकर आई थी लेकिन ये काफ़ी अच्छा खिल चुका है। तो इन्हीं खूबसूरत फूलों के साथ आज सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की तैयारी आप लोग शाम का टाइम है कर ही रहे होंगे। आज करवा चौथ है तो मैंने व्रत नहीं रखा है, बाकी मेहंदी वगैरह लगा रखा है मैंने, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो अगर अभी कहीं पूजा वगैरह में जाना होगा तो मैं जाऊंगी भी, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं कुछ जो सीडलिंग पहले लगा रखी थी उनकी अपडेट दे दूँ। और साथ के साथ जो मैंने सीडलिंग लास्ट नवरात्र के टाइम में मैंने लगाया था, मूर्ति विसर्जन के टाइम में, जो कि बहुत बाद में उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंची, तो उसका भी जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। अच्छा है, बुरा है, जैसा है, कुछ प्लांट निकले हैं, कुछ नहीं भी निकले हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो जो है जैसा, मैं आप लोगों को अभी शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को वो सीडलिंग जो है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बहुत पहले सीडलिंग लगाई थी। ये किस चीज़ का है? ये स्वीट विलियम का है, मैंने लगाया था। तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे कुछ प्लांट आ तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता ये वही प्लांट है कि दूसरे प्लांट है। सेम यही हाल इसके भी है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें भी कुछ इक्के दुक्के ये प्लांट है तो, लेकिन मुझे नहीं पता ये उसी चीज़ का प्लांट है कि इसका गजानिया है। ये देखिए, तो मुझे नहीं पता इनका, तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिला। और जबकि ये पिटूनिया ये लगा रखा था मैंने, जो मार्केट से लेकर आई थी सीड वो भी लगाया था, और उसके बाद जब वो नहीं जर्मिनेशन हुआ तो घर के सीड रखे हुए थे पिटूनिया के, वो लगा, उसका भी जर्मिनेशन अभी मुझे कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, जो जैसा है ज्यों के त्यों मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि इस ग्रो बैग का अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पॉट का कोई ज़रूरत है। अब बाकी जो मैं उन सीडलिंग को दिखाती हूँ जो मैंने मूर्ति विसर्जन के वाले दिन लगाया था, जिसकी वीडियो आप लोगों को बहुत देर में मिली, तो वो मैं इसकी दिखाती हूँ। तो वो देखिए, ये देखिए, ये मूर्ति विसर्जन वाले दिन जो मैंने लगाया था ये वो सीडलिंग है। तो ये कैलेंडुला के हैं, इसमें भी कुछ कुछ दिखाई तो ये दे रहे हैं लेकिन क्या है कुछ नहीं पता। और इधर ये देखिए, ये पिटूनिया के हैं, तो पिटूनिया का कुछ उम्मीद रखती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा के तादाद में निकले हुए हैं। ये पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ या नहीं दिखा पा रही हूँ, कुछ जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसे निकले हुए हैं, तो इसका मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि हो सकते हैं पिटूनिया के, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में ही निकले हुए हैं। और इधर ये है वाइट पिटूनिया के, तो वाइट पिटूनिया का भी कुछ कुछ ना के बराबर ही है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये अगर एक दो निकले भी हैं तो पता नहीं ये क्या निकले हैं, मुझे नहीं पता। और इधर भी वही हाल है, क्योंकि मैं पिछले बार भी लेकर आई थी कुछ सीड वगैरह तो वो बहुत लेट निकले थे। और बाकी इधर ये इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा है, ये है डेजी का, ये डेजी का है, डबल डेजी का है। तो इसका देखिए कितना अच्छा है, मतलब जर्मिनेशन हुआ है। और बाकी इधर है, इधर भी इक्के दुक्के मुझे दिख रहे हैं ये स्वीट विलियम के, तो ये देखिए ये कुछ इक्के दुक्के मुझे दिख रहे हैं ये। तो उम्मीद रखती हूँ कि इसमें कुछ निकल रहे हैं। तो ये है उस दिन का सीडलिंग का अपडेट जो मैंने मूर्ति विसर्जन वाले दिन लगाया था। और बाकी देखिए, टमाटर का जो पौधा मैंने लगाया था, ये जो टमाटर का अपडेट मैंने दिया था, तो वो तो उसकी पौध देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, कुछ दिनों में ये लगाने लायक भी हो जाएगी। बाकी ये तुलसी का मैंने लगाया था बीज, तो ये देखिए तुलसी के भी निकल चुके हैं, ये इतने बड़े बड़े सीडलिंग हो गई है तुलसी का भी मैंने देखे लगाया, मतलब आप लोगों से शेयर किया हुआ था। और इधर भी मैंने टमाटर का आप लोगों से शेयर किया हुआ था, जिसके उसमें मैंने अपडेट में इसको दिखाया था। और एक इससे भी बड़ा प्लांट था तो उसको मैंने तो घर जमीन में लगा दिया, तो ये सीडलिंग हो गया टमाटर का, मैंने आप लोगों के साथ ग्रो किया था, आप लोगों से शेयर किया था। मिर्च का प्लांट थोड़ा लेट जर्मिनेशन हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है। अब ये देखिए निकल भी रहा है, ये मिर्च के सारे मिर्च का प्लांट है, इसको मैं पहचानती भी हूँ। तो ये देखिए, तो मिर्च का क्या है कि मैं मार्केट से भी ले आई और इतना सारा, और ये फिर निकल भी रहा है। तो देखती हूँ मुझे कहाँ लगाना है, क्योंकि अब तो लग रहा है कि जगह कम पड़ जाएगी। तो देखती हूँ, अगर टूटे फूटे गमले होंगे, पोलोथीन बैग होंगे बड़े बड़े, ग्रो बैग मतलब पोलोथीन जो जिसमें मैं प्लांट वगैरह लगाती हूँ, तो वो भी मेरे पास होंगे, जिसमें खाद वगैरह बना भी लिया करती हूँ कभी कभी, तो उनमें मैं लगाया करती हूँ। लेकिन मैं किसी मतलब इधर उधर इसको फेंकूंगी नहीं,
हाँ अगर किसी की जरूरत होगी, कोई मांगेगा कि मिर्ची का प्लांट दे दीजिए, टमाटर का प्लांट दे दीजिए, तो मैं दे दूँगी, क्योंकि टमाटर का प्लांट भी मेरे पास अधिक हो रहे हैं। तो ये देखिए कुछ अपडेट ये इस तरीके से ये चेक हुआ है। अब इनका मैं इंतजार करूंगी, अभी मैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगी। हल्की पिटूनिया का तो काफ़ी हद तक है निकल रही है, देखिए आप देख सकते हैं पिटूनिया का तो काफ़ी हद तक निकल रहे हैं ये देखिए पिटूनिया की मैंने लगा भी रखे हैं ये स्टार पिटूनिया का, तो ये देखिए काफ़ी हद तक इसमें निकल रहे हैं। तो क्या पता थोड़ा देर से ही निकले, लेट निकले, लेकिन निकल जाए तो निकल जाएगा तो बहुत अच्छा ही है, और मैं इंतज़ार करूंगी इन सब का। तो यही मुझे आप लोगों से आज शेयर करना था और अपडेट दिखाना था, अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन हाँ इंतज़ार करूंगी। और इसमें से फिर जब भी निकलेगा तो किसी न किसी वीडियो में आप लोगों को इसकी अपडेट देती रहूँगी। तो और इधर डेजी का तो गजब ही निकला है, मन खुश हो गया देख के, ऐसे ही सारे निकल जाते तो अच्छा ही रहता। तो ये है आज का, मतलब जो भी मैंने सीड ग्रो किया था आप लोगों से शेयर करती रही थी टाइम टाइम पे, तो वो उसका अपडेट। और बाकी मैरीगोल्ड का है तो ये तो देखिए रिपोर्टिंग के लायक हो गए हैं, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी इनकी सीडलिंग हो रही है। अगर इनको मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया तो अब ये लैगी लैगी से होके एकदम खराब हो जाएंगे, ये देखिए। तो ये मैरीगोल्ड का अपडेट हो गया ये, और कुछ सीड बचा था तो मेरी जिठानी ने मांगा तो मैंने उनको भी दे दिया, अब वो भी ग्रो कर लेंगे। तो इस तरीके से ये मैरीगोल्ड का, तो रिजल्ट पूछना ही नहीं है, बहुत ही शानदार आया हुआ है। और इस समय तो कई सारे पेड़ पौधों की पत्तियाँ पीली होकर बहुत गिर रही हैं, चाहे वो बड़ा प्लांट हो और चाहे वो छोटा प्लांट हो। मेरे घर के आगे बड़ा बड़ा ट्री लगा हुआ है तो उसकी पत्तियाँ भी बहुत गिर रही हैं, तो उनको हमेशा बराबर साफ करते रहना है। बाकी सारे प्लांट मेरे अच्छे चल रहे हैं, बाकी इधर मेरे पान के प्लांट वगैरह भी अच्छे चल रहे हैं, इधर ये सब भी अच्छे चल रहे हैं। और जो मैंने प्लांट लगाया था ये ग्रो किए थे फाइकस वाले, ये तीन तो मैंने लगाया था, ये इसका अब ये मैंने आप लोग के साथ ही कटिंग ग्रो की थी, तो इसमें ये देखिए ये वाली नई लीफ आई हुई है ये वाली, और बाकी ये प्लांट ये है, तो ये भी अच्छा ही चल रहा है मेरे। ये तीन प्लांट और एक इसको लेके चार प्लांट ये फाइकस के मेरे तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो लगे तो आप लोग मतलब लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो ये देखिए बाकी इधर ये क्रोटन का देखिए, क्रोटन कितना बढ़िया हो रहा है, ये देखिए इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और इसका भी एक प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कटिंग से मेरा अच्छा चल रहा है और अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है। तो अभी कुछ दिन इसे चलने दूंगी, जहाँ रिपोर्ट करना होगा बाद में इसको मैं रिपोर्ट करूंगी, वैसे सर्दियों में तो ये ग्रोथ अपनी धीरे कर देता है, तो मैं इसको इसी में रहने दूंगी। और जब भी थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालना होगा तो मैं इसी पॉट में डाल दूंगी, तो चलने दूंगी। फिर उसके बाद मौसम जब आएगा इसको रिपोर्टिंग करने लायक तब मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।